हाय फ्रेंड्स, आज हम प्रोस्टॉक के एक नए एपिसोड में आए हैं। हमारे साथ एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही टैलेंटेड मॉडल है जो कि एक ताइक्वांडो एथलीट भी है। उन्होंने अभी रिसेंटली इंडिया के लिए 2 मेडल्स जीते हैं, जिससे कि हमारे इंडिया को एक प्राउड मोमेंट मिला। उन्होंने मॉडलिंग के अलावा, ताइक्वांडो के अलावा और भी लाइफ में बहुत कुछ किया है। तो शुरू करते हैं उसे जानने के लिए क्या क्या उन्होंने किया है, क्या क्या अचीव किया है और क्या उनकी एडवाइस है आने वाली जनरेशन के लिए। सो वलीना, सबसे पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। So I'm basically from Guwahati, Assam, but right now I'm living in Pune. I'm Northeast Calendar Model 2017, Calendar Girl 2018, T2 Trends Calendar Model 2018, and then Virus Miss India Universe 2021. Apart from modeling, professionally I'm a yoga teacher. I'm a Vastu consultant, and I'm also doing my post graduation in counseling psychology. Okay. I'm a biker, and also I'm into astrology, numerology, and tarot reader. And I'm a biker, and I'm a taekwondo athlete also. So that's all about me. And the list goes on. I'm into belly, kathak, and pole dance also. So, and the list goes on, but I don't want to mention it. Okay, fine, that's enough. अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे आपके नाम के बारे में जानना चाहूंगा। वायोलिना, अच्छा यूनिक वो नाम क्यों रखा गया? क्योंकि बड़ा यूनिक नाम है। या एक्चुअली देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। आई एम द फर्स्ट बोर्न चाइल्ड इन माय फैमिली एंड माय डैड यूज्ड टू प्ले वायलिन, सो इसलिए उन्होंने मेरा नाम वायोलिन से वायोलिना रखा। इट्स अ फेमिनिन नेम ऑफ वायलिन। तो आप अपने चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा सा बताओ। एज अ वेरी naughty child, बहुत परेशान कर रहा है, you know, being the first born child, you know, in my family, I'm the most pampered and spoiled child in my family. बहुत ही ज़्यादा शरारती थी, सारा लाड प्यार मिला है, you know, लाडली हूँ मैं अपनी family की, but you are the eldest one. I'm the eldest one. We are 3 sisters and 1 brother. My one sister is doing a PhD in physics from Tipra University. My younger sister just completed her master's in mass communication and journalism, and my brother is in 12th. Okay. So about my childhood, मैंने अपने dad से बहुत attached थी, अभी भी attached हूँ, मतलब dad को कभी छोड़ती नहीं थी। My dad is a retired government teacher. So बचपन में ऐसा होता था ना कि dad को कहीं पे जाने नहीं देती थी, dad के साथ ही रहना है, वो school जाते हैं तो you know, मेरे को भी कभी कभी इतना परेशान करती थी कि मेरे को भी स्कूल लेके जाते थे और डैड अंदर क्लासरूम में पढ़ा रहे होते और बाहर जो टीचर्स के टेबल चेयर होते हैं ना, वो एक लगा के वहाँ पे मेरे को ड्राइंग करने दे देते थे, या फिर कुछ अपने स्कूल का जो भी है होमवर्क वगैरह मैं वहाँ पे करती रहती थी। मतलब उस हद तक मैं डैड से अटैच थी। तो जब मैंने पेंसिल पकड़ना सीखा तो डैड ने मुझे ड्राइंग स्कूल में डाल दिया। जब मैंने बोलना सीखा, डैड ने मुझे क्लासिकल म्यूजिक में डाल दिया। जब मैंने चलना सीखा, डैड ने मेरे को कथक स्कूल में डाल दिया, ताकि यू नो मैं बिजी रहूँ और वो अपने काम कर सके। एंड मेरी मॉम की, तब जब तक मेरी सिस्टर पैदा नहीं हुई थी तब तक उनका कटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी का स्कूल था। नाउ शी इज़ अ हाउस वाइफ बिकॉज यू नो शी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर फैमिली एंड ऑल दैट। सो मम्मा नाइटिंग वगैरह करती थी, उल वगैरह बुनती थी, एम्ब्रॉयडरी करती थी, कटिंग वगैरह करती थी, तो मम्मा को परेशान करती थी। तो बचपन में कभी मैंने खिलौनों से खेला ही नहीं है, कभी नहीं खेला। मम्मी एम्ब्रॉयडरी करती रहती थी तो मेरे को भी सुई धागा डाल के ना, वो जो फ्रेम आता है एम्ब्रॉयडरी के, वो लगा के उसमें ड्राइंग करके दे देते थे, तो मैं भी एम्ब्रॉयडरी करती थी। सो दैट्स हाउ आई लर्नड एम्ब्रॉयडरी। उलिंग जब नाइटिंग करते थे तब भी वैसे ही मेरे को लगा दिया, तो आई एम ऑल्सो लाइक दिस यू नो वो करने लग गई। तो वैसा मैंने सीखा। और बचपन कैसा रहा, मतलब आई एम फ्रॉम गुवाहाटी, बेसिकली बोला जाए तो गाँव से बिलोंग करती हूँ। तो अभी तो आंगन वगैरह यू नो सीमेंट वगैरह के हो गए हैं, तो पहले मिट्टी के आंगन होते थे। सो हमारी बींग एन आसमीज, हमारी बिहू फेस्टिवल सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, तो बिहू में यू नो गोबर से आंगन वगैरह पोंछना एंड ऑल दैट, तुलसी का पूजा करना। फिर वो एक होता है ना जो चक्की होती है जो हाथ से ऐसे पीसते हैं, तो हमारे में आसाम में क्या होता है, एक लंबा सा ऐसा रहता है, दैट इज ऑल्सो चक्की, बट आगे वो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे चावल वगैरह डालते हैं पीसने के लिए, और पीछे उसका जो टेल होता है वो पैर से ऐसे खींचना पड़ता है, तो वो उसमें भी चावल वगैरह ऐसे
करते थे, फिर उसका आप जब बिहू वगैरह आते थे वो पीठा वगैरह बनाना जो असमीज ट्रेडिशनल स्वीट्स होते थे, सो वैसे ही रहा है. और मैं अपने भाई से बहुत ज़्यादा अटैच, लाइक जान है वो मेरी, आई लव हिम सो मच. तो क्योंकि तीन बहनों के बाद एक भाई हुआ है, तो यू नो बचपन में मतलब आई नेवर ट्रीटेड हिम एज माई ब्रदर, आई ऑलवेज ट्रीटेड हिम एज माई ओन सन. एंड आई फील लाइक इवन दो आई एम नॉट मैरिड येट, आई ऑलरेडी हैव अ सन. I already have a son and that son is my brother. तो जब वो पैदा हुआ था, I was so happy, मैं उसका diaper change करती थी, मैं उसको खाना खिला के देती थी, मैं उसको अपने chest पे ऐसे सुलाती थी, you know. तब हमारे घर में इन्वर्टर वगैरह भी नहीं थे, तो रात को कभी यू नो पावर कट हो जाती थी, तो पूरी रात जाग के हैंड पंखा चला के ताकि उसको गर्मी ना लगे. मम्मा को बस दूध पिलाने के लिए देती थी, बिकॉज दैट आई कांट डू इट. तो अभी भी वही है, और इसीलिए वो बिगड़ा हुआ है मेरे लाड प्यार से, मैंने बिगाड़ के रखा है उसको. सो आपकी मॉडलिंग करियर की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई? आउट ऑफ जेलसी. हाउ? मतलब दूसरी मॉडल से? नहीं, देयर इज अ सेइंग ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है. तो मेरी हर एक, मैं नहीं बोलूंगी कि सक्सेस और ऑल दैट, मैंने जो जो अपने लाइफ में करे हैं, जो भी करे हैं, अचीवमेंट नहीं बोलूंगी, बट व्हाटएवर आई डिड इन माय लाइफ, उसके पीछे किसी ना किसी मर्द का ही हाथ है. ओके, कैसे? ओके, सो व्हेन आई हैड माय फर्स्ट ब्रेकअप, तो ब्रेकअप के बाद, बिकॉज ही वॉज माई फर्स्ट लव, तो मैंने उसको एक मॉडल के साथ देखा था, एंड आई एम लाइक आई वॉज वेरी जेलस. Then I'm like, मुझे भी मॉडलिंग करनी है. Then I joined modeling. But when I joined modeling, I actually enjoyed it because बचपन से ही फोटोज वगैरह खींचना अच्छा लगता था. And that was a very dominating relationship. बहुत dominate करके रखता था, बहुत ज़्यादा dominate करके रखता था. तो when I joined modeling, I felt like कि ठीक है, fine, I can also have my own life. You know, तब जाके थोड़ी बहुत वो जो low self esteem थी वो थोड़ी अच्छी होने लगी कि ओके फाइन. एंड जब अच्छे काम करने लगे, शूट्स अच्छे होने लगे, कुछ ना कुछ किया, तब लोगों के जब कॉम्प्लीमेंट्स आते थे यू नो, तब कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है कि चलो एटलीस्ट आई एम समथिंग, एटलीस्ट आई एम समथिंग, आई कैन डू समथिंग, सेल्फ आइडेंटिटी, यस, वो हो जाता है. तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड मॉडलिंग. व्हेन आई हैड माय सेकंड ब्रेकअप, आई बिकम वायरस मिस यूनिवर्स 2020. When I had my third breakup, ये breakup में तो मतलब क्या बताओ, ऐसे टूटी, वो बोलते हैं ना, ठुकरा के मेरा प्यार जो तू मेरा इंतकाम देखेगी. अब academics में मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ कि मैं IAS-YAS बन जाऊँ. तो I became a yoga teacher, a vastu consultant, a biker, a taekwondo athlete, then an astrologer, a tarot reader, a numerologist, a belly dancer. पोल भी खरीद लिया था, पोल डांसर, द लिस्ट गोज ऑन. तो पता नहीं, एटलीस्ट आई चैनलाइज माय एनर्जी इनटू समथिंग प्रोडक्टिव एंड इन अ पॉजिटिव वे, बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ एंगर इश्यूज, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज है. तो अगर उस एंगर को अगर मैंने सही डायरेक्शन में चैनलाइज नहीं किया, तो इट्स लाइक कि वो खुद के मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. तो आई जस्ट ट्राई टू कीप माई सेल्फ बिजी, बट वो बिजी रखने के चक्कर में एटलीस्ट नाउ आई फील लाइक कि ओके फाइन, आई चैनलाइज इट इन अ गुड वे. टाइकंडो में जॉइन, मतलब बचपन से ही मुझे, आई वॉज एन एथलीट बचपन से ही, खेल कूद कल्चर में यू नो, हमारे फैमिली में एकेडमिक्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है. और मेरे सिबलिंग्स हो गए, मेरे कजन्स हो गए, और जितने भी रिलेटिव है जो भी है, सब लोग एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हैं. मैं भी अच्छी हूँ, बट मैंने कभी उसको ध्यान नहीं दिया, मतलब डैट वॉज नॉट माई प्रायोरिटी. ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन करना है, बेसिक एडुकेशन कम्प्लीट करना है, डैट्स इट. बचपन से ही खेल कूद है वो, बट बचपन से वो कभी मार्शल आर्ट्स में, क्योंकि वहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं था कि जहाँ पे सीख सकूँ, तो वो वाला ऑप्शन नहीं मिला. बट स्कूल में जब एनुअल वीक आती थी, वहाँ पे खेलते थे, जो भी करते थे. और तब ऐसे होता था ना कि जहाँ पे भी जाती थी खेलने के लिए, तब वहाँ पे फर्स्ट प्राइज मिलते थे हमेशा. बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, मेडल्स वगैरह है बहुत सारे.
और जब भी खेलती थी उसके बाद दो तीन दिन तक तो इतने थाइस दर्द होते थे कि ना उठने के बाद बैठ नहीं सकती थी, बैठने के बाद उठ नहीं सकती थी, वैसी हालत हो जाती थी। फिर दादी मेरे को बहुत डांटती थी कि खेलने के ये वो, अब दो तीन दिन तक ऐसे रोए कि ना, इट्स ओके, आई कैन हैंडल इट। तो व्हेन आई शिफ्टेड इन दिल्ली तब भी ऐसा नहीं था, बट उसके बाद मैंने हैड माय लास्ट ब्रेकअप, चला कि गुस्सा इतना ज्यादा गुस्सा था, कहाँ निकालूं, कहीं ना कहीं तो चाहिए ना, तो मुझे ऐसी एक जगह चाहिए जहाँ पे एक्चुअली मैं अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकती हूँ, मैं मार सकती हूँ, जहाँ पे सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा कि मार खा रहे हैं। अच्छा कि ओके फाइन, वे वाओ राइट। तो टूर्नामेंट के बाद भी यू नो जो भी होता है, एंड वी हग ईच अदर, यू नो जो भी है, तो बुरा नहीं लगता मारने से, निकाल सकते हैं। और वहाँ पे यहीं से ताइक्वांडो की शुरुआत हुई थी। यस ओके, तो कहाँ पे आपने ट्रेनिंग लिया? आई स्टार्टेड माय ताइक्वांडो ट्रेनिंग फ्रॉम दिल्ली ओनली। ओके, साकेत में दिल्ली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ से मैंने शुरू करा था। नाउ आई एम अ ब्लू बेल्ट इन ताइक्वांडो, एंड अभी मैं आरबी होरांजी दोजांग, ताइक्वांडो दोजांग में पुणे में मैं ताइक्वांडो अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू कर रही है। मेरे कोच रवि भंडारी सर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, वो हमेशा ना वो स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स के ऊपर काम करवाते हैं, एंड ही इज़ लाइक कि वो होते हैं ना कि आप ए बी सी डी कंप्लीट करने के बाद ही आप वर्ड्स पढ़ना सीखोगे, फिर सेंटेंस लिखना सीखोगे, तो जब तक आप फर्स्ट स्टेप क्लियर नहीं करते ना, तब तक आप सेकेंड स्टेप में जा नहीं सकते। अब पूरा टाइम वही प्रैक्टिस करो, सो एक्चुअली वो अच्छी होती है। सो ही इज अ वेरी गुड कोच, लाइक ही इज अ वेरी वेरी गुड कोच, सो आई एम हैप्पी कि आई एम ट्रेनिंग अंडर हिम। तो अभी जो आपने इंटरनेशनल अवार्ड्स, वो इंटरनेशनल मेडल्स जीते हैं जी, वो किस टूर्नामेंट में थे? इट वाज एन ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो टूर्नामेंट, इट वाज अ फीफा गिवन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024, और ये गोवा में हुआ था। तो काफ़ी सारे कंट्रीज से कंटेस्टेंट्स आए थे, मैंने अंदर 40-50 केजी कैटेगरी एंड कलर बेल्ट कैटेगरी में मैंने पार्टिसिपेट करा था। तो जो पुमसे होती है, पुमसे में मैंने गोल्ड मेडल जीती है, और फाइटिंग में मेरा फाइनल जो मैच था वो मलेशिया के साथ था। okay. तो वहाँ पे मैंने सिल्वर जीती है। इसके अलावा अभी मैंने कहीं पढ़ा था और कहीं देखा था, आपका बाइकिंग पैशन भी है, एंड यू हैव अ बाइक। यस, आई डू हैव अ बाइक। सो कैसे बाइकिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्या एक्सपीरियंस रहा बाइकिंग? बाइकिंग की जर्नी मतलब इट्स ऑल कनेक्टेड विद माय चाइल्डहुड, बीइंग द फर्स्ट बोर्न चाइल्ड इन माय फैमिली। मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे एज अ लड़की रेज कराई नहीं है। मतलब यू आर लाइक टॉमबॉय सॉर्ट ऑफ? नो, आई एम नॉट अ टॉमबॉय, बट मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो घर का बड़ा बेटा के हिसाब से हुई है। यू नो नो, जैसे घर के बड़े बेटों को कैसा होता है, नो रोक तो नथिंग, जो करना चाहते हो करो, इफ एनीथिंग हैपेंस वी आर देयर, बट तुझे जो करना है वो लिबर्टी है, लिबर्टी है, आपको कर सकते हो। तो बचपन पे वैसा रहा था। इन 2014 मैंने एक बार डैड को बोला था दैट बाइक चलानी है, एंड डैड इज़ लाइक ठीक है चला, जब गिर जाओगी तो जब यू नो चोट लगेगी तो फिर खुद ही मना कर देगी, बट मना नहीं करते, इट्स लाइक कि खुद जाके एक्सपीरियंस करो, सीखो, अगर रियलाइज करो कि नहीं होता है तो फिर छोड़ दो। दे आर लाइक कि जब तक आप कोई चीज़ ट्राई नहीं करते तब आपको पता कैसे चलेगा कि इफ़ यू आर गुड इन इट और इफ़ यू आर बैड इन इट, यू हैव टू एक्सपीरियंस इट, राइट? हाँ, तो मैंने मामा को बोला, परे मामा को, मम्मा बाइक चलानी है, देन मामा वाज लाइक ठीक है फाइन चला, तो सीधा मेन रोड पर निकाल दिया। एंड देन जब एक्चुअली बाइक, जब मैंने अपनी खरीदी थी बाइक, तो मैंने डैड को फ़ोन करा फ्राइडे को कि डैड मैं बाइक ले रही हूँ मंडे को। डैड इज़ लाइक कि बाइक मत ले, यू नो इतने सारे एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, ओला उबेर में घूम, ऑटो में घूम, इट्स सेफर, और अगर लेना ही है, तुझे लेना ही है तो स्कूटी ले ले। देन आई एम लाइक कि ठीक है मैं स्कूटी ले लेती हूँ। तो वो फ्राइडे को कॉल था, मैं मंडे को लेने वाली थी, सैटरडे को गई शोरूम में, बाइक उठाई, बताया नहीं, फिर स्टेटस डाल दिया व्हाट्सएप पे, मम्मा ने फ़ोन करा, बाइक ले लिया, मैंने बोला अच्छे से चलाना, सेफली चलाना, ठीक है। जब बाइक खरीदने की तो बाइक चलानी नहीं आती थी, अच्छा। जिन्होंने डिलीवरी दिया ना बाइक, उनको बोला भैया बाइक चलानी नहीं आती है, सिखा दोगे? तो खरीदने के बाद मैंने चलाई है, मतलब चलाना सीखा है। और बचपन में भी ऐसा रहा है ना, जब डैड ने मेरे को साइकिल सिखाया था,
तो साइकिल के जो कैरियर होते हैं ना वहाँ पे दैट पकड़ के ना, तो मैं चलाती थी दैट कैरियर में पकड़ के, पीछे 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 भागते थे. और फिर जब मैं चला रही होती थी डैड छोड़ देते थे, रुक जाते थे और मैं चला रही होती फुल मजे में. फिर मैं शेडो देखती थी, शेडो देखा तो पीछे डैड नहीं है, आई एम लाइक नहीं कोई नहीं है, गिर जाती थी. फिर से इट्स लाइक कि नहीं मैं हूँ, फिर से वही से. तो मतलब बचपन से वो रहा है, यू नो क्या बोलते हैं, खुला जो भी बोलते हैं, तो वो रहा है. तो इसके अलावा जैसे आपका पैशन है डांस, तो क्या क्लासिकल या मॉडर्न डांस, व्हिच वन यू प्रेफर? आई प्रेफर ऑल ऑफ देम. सी आई एम द काइंड ऑफ पर्सन, अगर मैं किसी चीज के साथ कनेक्ट होती हूँ तो उसके रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ना, मेरे को दुनिया भर की सारी चीजें करनी है. आई हैव दिस प्रॉब्लम. Okay. I don't know. I have this problem. डांस में कुछ हो तो क्लासिकल भी करना है, मॉडर्न. डांस में मैंने शुरू करा था कथक डांस से. कथक से मैंने क्षत्रिय डांस भी सीखा हुआ है. Then I'm like कि बेली डांस भी अच्छा है, बेली डांस भी सीखना. Then बेली डांस भी सीखा. Then पोल मैंने नहीं सीखा है, घर पे पोल लगा हुआ है. पोल मैंने खुद से ही यू नो ग्रूव करना मैंने सीखा. आई एम नॉट गोइंग टू से कि सब में मैं प्रोफेशनल हूँ. आई जस्ट एंजॉय डांसिंग. एंड योगा में भी, जब मैंने योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स करी है, अष्टांगा योगा में मैंने टीचर ट्रेनिंग कोर्स करी है. और जब मैं इंटर्नशिप में गई थी तब इट्स लाइक लोगों के रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आई यू इन टू लाइक पावर योगा, हठे योगा, दिस एंड दैट. एंड मैं अपने मन में, बस कुछ टाइम का वक्त दीजिए, मैं अभी सीख के आई. देन मैंने वो सब भी सीखा. एंड देन आई एम लाइक कि कभी कभी क्लाइंट का ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि आप फेस योगा कराते हो. मैंने बोला हाँ कराते हो, बट अभी सीखा, मतलब अभी शुरू नहीं करा है, अभी थोड़े टाइम बाद करूँगी. तो वो मेरा टाइम पीरियड रहता है सीखने के लिए. तो हाँ, तो आई डिड फेस योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स ऑल्सो, मेडिटेशन एंड प्राणायाम टीचर ट्रेनिंग कोर्स ऑल्सो. तो सारा सब कुछ मैंने कर लिया. दैन न्यूमरोलॉजी का मैंने पहले वेबिनार ज्वाइन करा था. तो वेबिनार जब ज्वाइन करा था मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. दैन आई एम लाइक कि मेरे को प्रोफेशनल कोर्स करना है. प्रोफेशनल करा, दैन न्यूमरोलॉजी करा, तो आई एम लाइक कि न्यूमरोलॉजी यू नो फिक्स रीडिंग है, डेट ऑफ बर्थ आपका कभी चेंज नहीं होता. बट देन आई एम लाइक कि आज के जनरेशन में ना पेशेंस नहीं है, तो टेरो रीडिंग बहुत चल रहा है. न्यूमरोलॉजी है तो टेरो भी सीखना है, तो टेरो भी सीख लिया. अब न्यूमरोलॉजी टेरो सीख लिया तो फिर बच्चा एस्ट्रोलॉजी, तो ग्रह नक्षत्र के बारे में भी तो जानना है ना, तो वो भी कर लिया. देन पामिस्ट्री सीखने की कोशिश करी थी, बट इतने लकीरें है हो नहीं पाया मेरे से, हो नहीं पाया. लाइक किसी चीज में मैंने गिव अप कर दिया कि चलो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ता है उसको. एग्जैक्टली. तो वो मेरे से हुआ नहीं. तो मतलब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड टैरो. टैरो. या. ओके. तो जैसे यू हैव डन साइकोलॉजी. या. तो साइकोलॉजी करने का रीजन क्या था? साइकोलॉजी करने का रीजन ये था कि लाइफ में ऐसे भी कुछ फेजेस आए, ऐसे भी कुछ टाइम आए जहाँ पे मुझे खुद काउंसलिंग की ज़रूरत थी. बट मैं ना किसी के सामने ओपन अप नहीं हो पाती, यू नो किसी काउंसलर के सामने भी ओपन अप नहीं हो पाती मैं. इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू आस्क फॉर हेल्प. मैं कभी हेल्प नहीं मांग सकती. ओके. कितना भी कुछ हो जाए आई एम लाइक कि आई डू समथिंग, आई डू समथिंग, आई मैनेज समथिंग, बट नहीं वो नहीं कर सकती. तो वो जब मैंने काउंसलिंग साइकोलॉजी का मैंने कोर्स करा तो वो मैंने एक्चुअली अपने लिए ही करा था. खुद मेरे को जानना था कि क्या है, कैसे खुद को काउंसलिंग कर सकते हैं, क्या है ऑल दैट. एंड आई एम वेरी गुड एट हीलिंग. इवन तो योगा में भी हो गया, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में, काउंसलिंग जो भी हो गया. कभी प्रोफेशनली किसी को हील किया है? यस किया है. बट यू नो जस्ट लाइक कि खुद की मेंटल हेल्थ जितनी भी खराब क्यों ना हो ना, दूसरों को बहुत अच्छे से काउंसिल और हील कर सकते हो, एडवाइस दे सकते हो. देयर इज एन ओल्ड सेइंग यू नो कि कोचेस नेवर प्ले, सो आई एम द कोच, आई नेवर प्ले. दोज रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल, कुछ एप्लीकेबल नहीं होता है. मतलब लोगों को हील किया बट खुद की हालत खराब है. हाँ. ओके. और अभी तक जैसे इतना कुछ तुमने किया, लाइक मॉडलिंग भी किया, बाइकिंग भी किया, डांस भी किया, ताइक्वांडो भी किया, अब ये ऑक्टल साइंस भी किया, तो ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें सबसे अच्छी लगी करने में, या तुम्हें ऐसा लगता है कि इसमें मुझे सेटिस्फेक्शन मिला? ताइक्वांडो. ताइक्वांडो बिकॉज आई नेचुरली हैव अ वेरी एग्रेसिव नेचर, एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा है. सो
दैट इज द परफेक्ट प्लेस. ओके, दैट इज द परफेक्ट प्लेस. आई कैन इमेजिन एनीवनस फेस इन माय ओपोनेंट्स फेस और पैड पे. मानो धरा था ये मॉडलिंग में नहीं कर सकते, मॉडलिंग में नहीं कर सकते. एंड यू नो व्हाट, आई हैव रियलाइज्ड समथिंग कि अभी दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द ग्लैमर इंडस्ट्री. ओके, मैंने मतलब ग्लैमर इंडस्ट्री में मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं. जब भी मैं मॉडलिंग में थी, ठीक है, एक पेजन जीतना था, जो भी था करा, बट कभी मुझे वो खुशी नहीं मिली है. यू नो, हमारे एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है कि यू नो, जो चीज़ जिसके लिए बनी होती है वो अपना वे बना ही लेता है. तो मेरे तो मेरे लाइफ में जो भी ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुए, जो भी हुए हैं, तो वो सारे रीज़न थे. आई बिलीव कि वो सारे रीजन थे. बेसिकली मुझे यही पे आना था, मुझे ऑकल साइंस पे आना था, मुझे हीलिंग में ही आना था. तो कहीं ना कहीं से वो रास्ता तो बनाएगा ना कोई इवेंट तो बनाएगा. अब जब तक आप खुद कुछ बुरा, कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट एक्सपीरियंस नहीं करते, तो आप सामने वाले की प्रॉब्लम कैसे समझ सकते हो? यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड. वो शनि, यू नो सैटर्न जो कर्म फल दाता है, तो बचपन में जब वो पैदा हुए थे, पैदा होने के बाद है, बिकॉज वो छाया पुत्र शनि थे, राइट? तो सूर्यदेव वॉज लाइक कि मैं इतनी तेजस्वी हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, मेरा बेटा इतना काला कैसे हो सकता है, है ना? तो तभी, और उनके माँ के बारे में भी बुरा बोला था, और तभी शनिदेव ने सूर्यदेव को ऊपर ग्रहण लगाया था, राइट? तो वैसे ही शुरू हुआ. तो और बचपन में उन्होंने काफ़ी सारे झेले हैं, यू नो, उसके बाद जाके वो करमफल दाता बने. सो इफ नाउ अगर मैं हीलिंग में हूँ, ऑकल साइंस पे हूँ, अगर मैं काउंसलिंग कर रही हूँ लोगों को, तो मुझे भी वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी थी, वरना मैं समझूंगी कैसे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है. बट मैं खुद को ही नहीं कर सकती, स्क्रू ढीला है, जो भी है. सो योगा का एक्सपीरियंस कैसा रहा? योगा का एक्सपीरियंस एक्चुअली, मैं एक ऐसी इंसान हूँ ना, मुझे कोई भी चीज़ करने के लिए प्रोवोक करना पड़ता है. मोटिवेट अगर कोई करे ना मुझे, तो मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ. मुझे संदीप महेश्वर पे मोटिवेट नहीं कर सकता. ऐसा क्यों भाई? मुझे नहीं कर सकता, मैं मोटिवेट होती ही नहीं. अगर कोई मुझे मोटिवेट करता है ना, तो आई फील डिप्रेस्ड. ओके, कोई प्रोवोक करे ना, तो नहीं कर सकती. ओके, तो नहीं जा सकती, ईगो हर्ट हो जाता है. आई हैव अ ह्यूज ईगो प्रॉब्लम. कैसे नहीं कर सकते? सबसे पहले वही चीज करूंगी जाके. वही चैलेंज है. तो योगा में जब मैं टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रही थी, तो सर ने बोला कि यू नो, इसमें एडवांस आसन करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, महीने साल लग जाते हैं, तो इतना जल्दी तो नहीं होगा, बट हो जाएगा. देन हम लेकिन क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, हो जाएगा. दो महीने के अंदर कर लिया एडवांस आसन. वही चीज है कि प्रोवोक करना पड़ता है. तो अभी लाइफ में क्या देख रहे हो, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन क्या है इतना सब करने के बाद? मतलब किस चीज में आगे करियर बनाना है, या किस चीज में फाइनली स्टेबल होना है लास्ट में जाके, या फिर कुछ और ट्राई करना है? ट्राई तो कभी जिंदगी में खत्म ही नहीं होती, लर्निंग कभी खत्म होती क्या जिंदगी में? बट हाँ, मुझे स्केटिंग सीखना है और भरतनाट्यम सीखना है, और मैं ज्वाइन करूंगी मैं जनवरी में, अभी मेरे पास टाइम नहीं है. बट हाँ, योगा में मुझे पर्सनली मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पसंद नहीं है. मुझे फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेचेस वगैरह मुझे बहुत पसंद है, लाइक बॉडी को मरोड़ दो, रबर की तरह बना दो, मुझे वो सब बहुत पसंद है. तो वो एक चीज़ है, जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ या फिर कुछ नया आसन फ्लेक्सिबिलिटी में अचीव करती हूँ, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है. पैकन टू में दैट इज़ वन थिंग जो मुझे पसंद है, यू नो. और जब मैं किसी की काउंसलिंग करती हूँ, हीलिंग करती हूँ, और जब बोलते हैं ना कि आपकी रीडिंग सही है, आपने जो भी बोला है जो भी है, और जब किसी को यू नो उनके ट्रॉमा से बाहर निकल पाते हैं, जब काउंसलिंग सक्सेस होती है, तो बहुत खुशी मिलती है कि ओके फाइन, एटलीस्ट मेरी ना सही, किसी और का तो मेंटल हेल्थ में अच्छी कर सकती हूँ. सही पॉइंट. अभी यंगस्टर्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे? यंगस्टर्स को एडवाइस यही देना चाहूँगी कि स्पेशली लड़कियों को, डोंट बी डिपेंडेंट, बिकॉज लड़कियों को यू नो थोड़ा ऑफेंसिव भी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए.
हम लड़कियों को ये नेचर होता है ना कि इट्स लाइक कि हमें कोई वेल सेटल लड़का चाहिए, यू नो कि ओके फाइन बड़े हो गए, वेल सेटल कोई लड़का है तो ही विल टेक केयर ऑफ अस एंड ऑल दैट. तो उसके बजाय आई थिंक यू नीड टू डू समथिंग. इट डजंट मैटर कि आप 10,000 कमा रहे हो, वो 10,00,000 कमा रहे हो, वो 10,000 आपके खुद के हैं. एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग, राइट? तो अगर आप कुछ करने के बाद, कुछ ट्राई करने के बाद अगर आप सक्सेस नहीं होते हो, दैट्स अनदर थिंग. एटलीस्ट यू ट्राइड. सो ट्राई समथिंग, यू नो. जब तक आप करोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा इफ यू आर गुड एट समथिंग और नॉट, जो भी है चीज. अभी जैसे आजकल बड़ा एक वर्ड फेमस है, मतलब ट्रेंड में है, फेमिनिज्म. आपके लिए फेमिनिज्म क्या है? आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट. फेमिनिज्म क्या होता है? देयर इज नो सच थिंग एज फेमिनिज्म, यू नो. लोग यू नो जो भी बोलते हैं कि ओके फाइन वी कैन वेयर शॉर्ट्स, वी कैन वेयर बिकिनी एंड ऑल दैट, यू नो. जो भी सारी चीज है अगर आप उसको फेमिनिज्म बोलते हो या फिर जो भी एक्स वाई जी चीज़ है उसको बोलते हो, मुझे नहीं लगता. बिकॉज आई एम द काइंड ऑफ गर्ल जो साड़ी भी पहनती है, सूट भी पहनती है, जीन्स भी पहनती है, बिकिनी भी पहनती है. बट एटलीस्ट यू शुड हैव दैट, यू नो, कॉमन सेंस होती है ना कि आप अगर क्लब में जा रहे हो तो वहाँ की ड्रेसिंग कैसी है, आप मंदिर पर जा रहे हो तो वहाँ पर कैसी ड्रेसिंग सेंस करनी है, फैमिली फंक्शन में जा रहे हो तो आपको कैसी ड्रेसिंग सेंस करनी है, अगर आप पूल में जा रहे हो तो चलो आप बिकिनी पहन रहे हो, जो भी पहन रहे हो. तो अगर आप कुछ भी पहन रहे हो तो एक बेसिक ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए. अब बिकिनी पहन के, आप शॉर्ट्स पहन के आप मंदिर में या फिर फैमिली फंक्शन में नहीं जा सकते. अगर आप उसको बोल रहे हो कि वी कैन वेयर एनीथिंग वी वांट टू, ऑब्वियसली यू कैन वेयर एनीथिंग यू वांट टू, आई ऑल्सो कैन वेयर एनीथिंग आई वांट टू, बट वी शुड हैव दैट बेसिक नॉलेज कि कौन सी चीज कहाँ पे पहननी होती है. सिचुएशन देखनी पड़ती है. और एक चीज होती है, यू नो, लड़कियों का बहुत एक कॉमन डायलॉग होता है, यू नो, बहुत सारे कपल्स में भी देखा है एंड ऑल दैट, यू नो, कॉमन डायलॉग होता है ये चीज, मैंने 9 महीने बच्चे को अपने कोक में रखा है एंड ऑल दैट. ये कुछ चीज होती है, वी आर बिल्ट फॉर दैट, वी आर केपेबल ऑफ गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड. ओके, राइट? अगर आप अगर अभी फॉर एग्जांपल अगर कोई शेर आके ये कंप्लेन करने लग जाए कि ठीक है फाइन तुम लोग तो घास खाते हो एंड ऑल दैट खाते हो, हमें तो शिकार करके खाना पड़ता है एंड ऑल दैट. शेर को शिकार करके ही खाना पड़ता है, उसका नेचर ही वही है. बकरी को घास ही खाना पड़ता है, उसके नेचर ही वैसी है. तो जस्ट लाइक दैट वी आर केपेबल ऑफ गिविंग बर्थ. सो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि बिग अचीवमेंट है, वो है. हमारी फिजिकल पेन टॉलरेंस जो है वो नेचुरली इनबिल्ट होती है. एग्जैक्टली. इवन टाइकंडो में भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ, जो भी करती हूँ, कभी कभी सर बोलते हैं कि नहीं ये अभी प्रैक्टिस करना नहीं होगा, थोड़ा बात करेंगे जब थोड़ा और एक्सपीरियंस हो, चोट वोट लग जाएगी. एंड आई एम लाइक कि सर हम लड़की है, ठीक है, तो जब लेबर पेन होता है तो 52 हड्डी एक साथ में टूटने की, वो पेन सहने की कैपेबिलिटी नेचुरली बिल्ट है हमारे में. टूर्नामेंट में प्रैक्टिस में कितनी हड्डी टूटेगी? 1, 2, 3, 49 अभी बाकी है. उतना पेन सह सकते, एक टूटा है अभी, एंकल गॉट डिसलोकेटेड, बाकी है अभी. सो नेचुरली जो इनबिल्ट होता है ना, तो वी शुड एक्सेप्ट इट. देयर इज नो सच थिंग एज फेमिनिज्म एंड आई डोंट फॉलो एनी फेमिनिज्म एंड ऑल दैट. मुझे बहुत ही वाहियात और बकवास चीज लगती है ये, यू नो, फेमिनिज्म बहुत ही ज्यादा बकवास लगती है मुझे. बात करके बड़ा मजा आया एंड आई फील ये नेक्स्ट टाइम जब मिले तो कुछ नई चीज सामने आए. आई होप कि मेरी बातों से कोई ऑफेंड ना हो. नेक्स्ट टाइम कुछ और, इफ आई सेड समथिंग रॉन्ग आई एम रियली सॉरी. नेक्स्ट टाइम मिलते हैं तो फिर शायद कुछ और नया देखने को मिलेगा. पर इट्स लाइक आई एम अ वेरी ब्लंट पर्सन. मैं बहुत ही ब्लंट हूँ. मैं मेरी नेचर ये है कि मैं रिश्ता बना के रखने के लिए किसी के साथ भी मैं झूठे दिखावा नहीं करती. मैं शुगर कोट नहीं कर सकती. जो है वो है, जो मन में है वो जुबान पे है. दिल बहुत साफ है, एकदम रसगुल्ले की तरह, जुबान करेले की तरह कड़वी है, कैंची की तरह चलती है. चलो वेलिनम, बड़ा मजा आया आज बात करके. ठीक है, हम ये एपिसोड यही एंड करते हैं और आई होप कि आपको लाइफ में और सक्सेस मिले. थैंक यू सो मच. और चैलेंजेस मिले. आई थिंक कि मुझे अभी तक पता नहीं है कि मेरे अंदर पोटेंशियल कितना है. आई थिंक मुझे 2-3 और ब्रेकअप तो चाहिए लाइफ में ताकि मैं कुछ नई चीजें निकल के आएंगी. मुझे पता नहीं है ना मैं और क्या क्या करने के लिए कैपेबल हूँ मैं. तो और 1-2 तो बहुत गंदी वाली हार्ट ब्रेक होना चाहिए ताकि मैं वो नहीं बट लाइफ में सेटल हो जल्दी से. सो फ्रेंड, आपको ये वीडियो मजा आया होगा एंड
हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और नए एपिसोड में फिर हम एक नए इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।